हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RCFL यानी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से जो मार्च में जॉब वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें डिप्लोमा होल्डर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वाले तथा इसके साथ जो BSc भी कर रखे थे केमिस्ट्री से उनके लिए, और साथ साथ में फ्रेंड जिन्होंने नर्सिंग कोर्स लैब पैथोलॉजी कोर्स का कर रखा था उनके लिए जॉब वैकेंसी निकाली गई थी फ्रेंड, जिसका लास्ट डेट 4 अप्रैल को था। तो फ्रेंड जो भी कैंडिडेट इस फार्म को फिलअप किए थे, चाहे वो जिस भी ब्रांच से रहे हों, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल या जिस भी डिसिप्लिन में उन्होंने फार्म जिस भी पोस्ट के लिए फार्म फिलअप किया था और उनका फार्म अगर फाइनली सबमिट हो गया था, तो उन कैंडिडेट के पास ही RCFL की तरफ से एक मेल आ रहा है। इस मेल का मतलब है फ्रेंड कि RCFL एक प्री रिक्वायरमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है जो कि 60 मिनट तक का होगा, जो 11 से 13 अप्रैल तक के लिए है। इनका जो एड्रेस है फ्रेंड ये महाराष्ट्र में है, मुंबई। अगर जो कैंडिडेट आसपास के हो तो कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन जो दूर के हैं वो इतना दूर तो नहीं जा पाएंगे। तो फ्रेंड इस मेल का मतलब यही है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए फार्म अप्लाई किए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर एक डेमो दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हाँ आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा और कैसे क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे और कैसे पूछा जाएगा और उसमें निगेटिव मार्किंग क्या क्या है, उस सब से रिलेटेड ही यहाँ पर बताया जाएगा फ्रेंड। तो इसमें जो कैंडिडेट अगर अटेंड कर पाते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। RCFL ने अपने वेबसाइट पे भी इनका जो लिंक है उसको पब्लिश कर रखा है, आप इस लिंक पे जाकर डायरेक्ट क्लिक करके, जैसे कि आप जिस लैंग्वेज के हैं अगर हिंदी तो हिंदी पे क्लिक करिए, मराठी है तो मराठी, इंग्लिश पे अगर देखना चाहते हैं इंग्लिश, यहाँ आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें फ्रेंड इन वीडियो में बताया गया है क्लियरली कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे आंसर देना है। उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप जिस भी डिसिप्लिन के हों वहाँ पर हर डिसिप्लिन का अलग अलग वीडियो है, आप उसको जरूर देख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हैं, एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके जो डिसिप्लिन है यानी आप जिस भी ब्रांच के हैं उससे 50 क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, ये जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन हैं ये आपके। आप जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जर्नलिस्ट इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन पर आप जिस भी लैंग्वेज के हैं हिंदी इंग्लिश मराठी इस पर क्लिक करके इसका डेमो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका लिंक यहाँ पे दे रखा है कि आप हिंदी में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं या मराठी में देखना चाहते हैं। तो आप जिस भी फील्ड के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म डाले हैं, चाहे ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल के लिए, फायरमैन के लिए, केमिकल ऑपरेटर या फिर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तब उसके सामने जो ये व्यू लिंक है उस पर आप क्लिक करके उसका वीडियो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड जिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन से हैं उसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक उसका दिया है, आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश के सामने का जो है व्यू पे क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो आपके सामने खुल जाएगा डेमो। इसके साथ अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी का सामने लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो इसका डेमो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आप देख रहे हैं डेमो लिंक, मतलब आपका एग्ज़ाम कैसे देना है उसका भी यहाँ पर एक डेमो मॉक टेस्ट लिंक दे रखे हैं, जो कि अभी केमिकल और फायरमैन का लिंक अभी ओपन हो रहा है। इसके अलावा भी जो टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और ये नर्सिंग, इस सब का लिंक अभी एक्टिव नहीं है। तो अभी जो केमिकल ब्रांच के और जूनियर फायरमैन के कैंडिडेट हैं उसको वो यहाँ पर आकर इस लिंक को क्लिक करके एक बार डेमो क्वेश्चन जरूर देख लें किस तरह का होगा। और इसके अलावा फ्रेंड अभी जो इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हैं वो वेट करें, जैसे उनका लिंक एक्टिव होगा आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। और साथ में फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल से भी जुड़े नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किस तरह का जो भी डिटेल नोटिफिकेशन और जानकारी है आपको आसानी से मिलता रहे। इसके साथ ही फ्रेंड यहाँ पर एक इंटरव्यू का लिंक दिया है। इससे पहले जो केमिकल ऑपरेटर और फायरमैन में कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए थे उनका एक डेमो वीडियो है, उन्होंने इसमें वीडियो में बताया है कि उनका एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन हुआ था और उनके साथ कैसा उनका इंटरव्यू हुआ था, उसके बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो जो भी अभी केमिकल ऑपरेटर और फायरमैन के कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि उनको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए कि वो किस तरह से एग्ज़ाम देंगे और उनका इंटरव्यू किस तरह से होगा। फ्रेंड डेमो वीडियो का जो लिंक है उनका मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर
तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने जो लिंक दिया है फ्रेंड वो हिंदी वीडियो के लिए हैं। अगर आप अदर लैंग्वेज के हैं जैसे कि इंग्लिश और मराठी में देखना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आके विजिट करके देख सकते हैं। और फ्रेंड अगर साथ में ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह का जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद।